पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारों की यात्रा करने वाले भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों के पासपोर्ट गायब हो गए हैं। ये सभी पासपोर्ट सिख श्रद्धालुओं के हैं, जो पाकिस्तान में स्थित करतारपुर के साथ साथ कई और गुरुद्वारों की यात्रा के लिए जाने वाले थे। गौरतलब है कि पिछले महीने ही करतारपुर कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ था। पाकिस्तान उच्चायोग ने भारतीय तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट गायब हो जाने के बाद पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि पाकिस्तान ने पिछले महीने 21 से 30 नवंबर तक गुरु नानक की 549वीं जयंती में शामिल होने के लिए 3800 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों के लिए वीजा उपलब्ध करवाया था। खबर के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय गायब हुए सभी पासपोर्ट को रद्द करने का विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग से भी इस मामले में बात की है। पाकिस्तान ने 23 भारतीय सिखों के पासपोर्ट गायब होने के लिए खुद को जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। बता दें कि ये सभी पासपोर्ट दिल्ली के एक एजेंट ने लिए थे, लेकिन एजेंट का कहना है कि उसने पाकिस्तानी उच्चायोग में सभी डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे। एजेंट ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि जब वो पासपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग गया, तब उन्होंने बताया कि उन्हें डॉक्यूमेंट मिले ही नहीं। पासपोर्ट के गायब हो जाने के बाद भारतीय अधिकारियों ने बताया कि गायब हुए पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को नजर रखने के लिए कहा गया है। इस कॉरिडोर से आतंकवाद जैसी खतरनाक गतिविधियों का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए भारतीय सेना पहले से ही चिंता जाहिर कर रही है। वहीं हाल ही में कई बार सिख धार्मिक स्थलों पर खालिस्तान समर्थित पोस्टर्स को भी देखा जा चुका है। हालांकि अब पासपोर्ट्स के गायब होने की खबर के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।